तो जी नाजरन, आप देख सकते हैं कि इस टाइम मैं फुल डेजर्ट के अंदर पहुंच चुका हूं। तकरीबन 200 किलोमीटर का सफर करने के बाद मैं इस जगह पे पहुंचा हूं। ये देखें कि जानवर धूप में बैठे हुए हैं। ये भेड़ का बच्चा है। अभी मैं एक चुलस्तान डेजर्ट के अंदर एक घर में पहुंचा हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और इनकी खाने पीने की रूटीन क्या होती है। तो आइए अभी घर के अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखें, सिंपल सा ही घर है, दीवारें वगैरह नहीं है, लकड़ी से दीवारें बनाई गई हैं। नाजरीन, आप देख सकते हैं ये सारा चोलिस्तान डेजर्ट का एरिया है। ये लोग रेत के ऊपर इन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं, ये देखना। और इधर आपको मैं घर भी दिखाता हूँ। बाकी ये लकड़ी से दीवारें बनाई हुई हैं, ये देखना। यहाँ पर सहूलियत नहीं है, इसलिए लकड़ी लगा कर घर को कवर किया गया है। घर के अंदर मोस्टली एक एक कमरा ही होता है ना। ये यहाँ पे डॉग भी बैठा हुआ है, मुझे लग रहा है डर। तो अभी मैं दूसरी साइड पे जा रहा हूँ। माशाल्लाह ये भेड़ों के और बकरियों के बच्चे जो है ना, खुले घूम रहे हैं घर के अंदर। ये आप देखें कि इन्होंने घड़े रखे हुए हैं पानी के लिए। तो इनके अंदर पानी का कलर आप चेक करें कि कितना ज़्यादा ब्राउन है। तो यही पानी ये तोते का इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए। अभी ये इन लोगों का कमरा है, तो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कि किस तरह का है। और कमरा देखें आप कितना ठंडा है, मुझे तो यहाँ अंदर आके सुकून सा हो गया है। और आप देखें यहाँ पर बेसिक ज़रूरियात के लिए चीज़ें रखी गई हैं, ज़्यादा सामान नहीं रखा जाता इधर ना। ये कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, मुझे लगता है ये साग सुखाया गया है। और ये डल है, किसी भी जानवर के गले में डाल सकते हैं आप ना। तो इसकी छत भी आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल बनाई गई है, लकड़ी की मदद से और घास की मदद से ना। बाहर की तरफ आप देखें कितनी ज़्यादा गर्मी है और दूसरी तरफ ये टोटल सहरा है। जबरदस्त हो गया जी मक्खन। अभी ये बाजी जा रही है पानी देने के लिए टोबे से। यहाँ पर टोबा घर से काफी दूर होता है, इसलिए घड़े की मदद से पानी लेकर आना पड़ता है ना। अभी आप देखें कि टोबे के ऊपर पहुंच चुकी हैं और यहाँ से पानी भरेंगे। अभी नाजन, आप देख सकते हैं कि चोलिस्तान डेजर्ट के लोग यही पानी पीते हैं, जानवर भी यहीं से पानी पीते हैं। तो आपको मैं यहाँ से दिखाता भी हूँ कि पानी के अंदर मेंढक भी हैं। बर्तन लटकाने के लिए ये बनाया गया स्टैंड, इसके ऊपर बर्तन वगैरह लगाए जाते हैं। इन घरों के साथ ही ये रेत के टीले हैं। यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर रेत के टीले भी इंतहाई करीब हैं घर के ना। ये देखें काफ़ी ऊंचा टीला है ये ना, तो मुझे इसके ऊपर चढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है।
यहाँ से आप देखें तो इनके घर कुछ इस तरह से नज़र आते हैं। ये देखें जी, आप देखें कि इस टाइम मैं फुल ऊंचे टीले के ऊपर खड़ा हूँ। इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि कितनी छोटी छोटी झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। अभी डेजर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है और दोपहर का खाना बनाया जा रहा है और आटा गूंद लिया गया है और थोड़ी देर में अभी रोटी बनाएंगे। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट ने इनको दिया टैंकी टाइप ना, तो ये घुमाकर ले जाते हैं टोबे पर, जिसके अंदर ये लोग पानी स्टोर कर लेते हैं। तो वैसे इन्होंने घड़े भी रखे हुए हैं, ये देखें। घड़ों के अंदर ये सहूलत है कि पानी काफ़ी ठंडा रहता है। ये देखें, काफ़ी सारे घड़े इसके अंदर रखे हुए हैं। ये देखें, इस तरह से ढांपते जाता है इस तरह बर्तन को, और ये इनका छोटा सा घर है। मजी तो बड़ी सामने साइड कर लेता। ये जी, अभी गुड़ को कूट के शक्कर बनाएंगे। ये देखें जी, गुड़ और शक्कर को मिक्स किया गया है, गुड़ और मक्खन को। और ये चोलिस्तान का काफ़ी, जो आप कह सकते हैं, खाना खाने के लिए इस्तेमाल होता है, डिश है। और अभी इसके साथ पराठा भी बनाया गया है, ये देखें। तो ये दोपहर का खाना जो है बिल्कुल सादा तरीके से रेडी हो चुका है। खाना बनाने के बाद अभी ये चोलिस्तान के भाई हैं, इसको देते हैं और चेक करवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जी भाई, अभी ये देखें भाई, जो टेस्ट करके बताएंगे। माशाल्लाह भाई, बहुत शक्कर देसी ते मक्खन देसी, मिर्च दिया पे मजा आंदा पे खावण दा, और पराठे जुए तले पे देसी सही उंदा बहुत मजा आंदा पे, और लस्सी खाले से रोई दी देसी। तो आप लोग रोज इसी तरह से खाना खाते हैं? हां जी, हां जी, देसी बना के। हां, हम देसी खाना खाते हैं रोज। तो इससे आपकी सेहत को भी कोई फर्क पड़ता है? कोई हमको 2 साल से कोई बुखार नहीं आया। सही हो गया। हां जी, तो आप मतलब ये आपको हेल्दी रखता है, सेहतमंद रखता है? सेहतमंद। हम लस्सी ना पिए, मक्खन ना खाए, हमको सुकून नहीं आता। ठीक हो गया। हाँ। अभी लस्सी पी के दिखाएं कैसी बनी है और बताएं। लस्सी बहुत टेस्ट आ रही है। मोबाइल की बैटरियां चार्ज करने के लिए सोलर पैनल भी रखा गया है। ये देखें, साथ में एक बैटरी भी रखी गई है जो चार्ज हो रही है। ये मोबाइल की एक बैटरी चार्ज लगाई हुई है, ये भी मोबाइल की बैटरी है। और ये अडाप्टर है जिसके अंदर मोबाइल चार्ज करने के लिए पिन लगी हुई है ना, ये देखें। ये देखें कि गाय की जो ओजरी होती है उसको सुखा कर रखा गया, जो ये लोग बाद में इस्तेमाल करते हैं पका कर। ये भी इसके अंदर भी वही चीज़ है, गोश्त सुखा कर रखा गया इसके अंदर भी। ये देखें, गोश्त सुखा कर रखा गया ताकि डेजर्ट के अंदर ये ख़राब ना हो और इसे बाद में भी इस्तेमाल किया जा सके। डेजर्ट के अंदर इस तरह के दरख्त होते हैं जो कि पानी बहुत कम पीते हैं, ये दरख्त
लेकिन इनके ऊपर पत्ते भी बहुत कम होते हैं ये, लेकिन झाड़ियाँ टाइप होते हैं, कांटे कांटे होते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है ना घने होते हैं। तो इनकी छाँव आप देखें कितनी ज़्यादा गहरी है, इनके अंदर गैप नहीं है बिल्कुल भी, पत्ते इन दरख्तों के ऊपर पत्ते नहीं है लेकिन फिर भी इनके अंदर गैप नहीं है। ये देखें बहुत ही जो है ना करीब करीब इनकी झाड़ियाँ हैं जिससे इनकी छाँव बेहतरीन है। तो ये आजकल यहाँ पर टोबों में पानी कम हो चुका है, इसलिए लोग डेजर्ट को छोड़ के दूसरे इलाकों की तरफ मूव कर जाते हैं जहाँ पर पानी मौजूद होता है। ये भी आप देख सकते हैं गैराबाद है इस टाइम।